बाघों के शहर, गोमती के उद्गम स्थल बांसुरी नगर पीलीभीत से कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आप सभी का अभिनंदन। ये पीलीभीत का चुनाव है 24 का। गांधी युग पीछे छूट रहा है। इस बार लगभग 35 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेनका और वरुण गांधी में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सवाल यहाँ बहुत कुछ है क्योंकि यहाँ की सियासत बदल रही है, बहुत बदल रही है, और इस लिहाज से बदल रही है कि वरुण गांधी के नहीं लड़ने पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आज पीलीभीत की धरती से हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कन्फ्यूजन की। कैंडिडेट उतारने में सबसे आगे, लेकिन कैंडिडेट बदलने में भी सबसे आगे है समाजवादी पार्टी। आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी अब तक उम्मीदवार बदल चुकी है। खास बात यह है कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां तीन तीन बार उम्मीदवार बदले गए हैं। इस वजह से आज मेरठ और बागपत में आखिरी मौके पर उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। मुरादाबाद और रामपुर में भी इसी तरह आखिरी वक्त तक उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन बना रहा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ऐसे करेंगे कैंडिडेट का सिलेक्शन तो कैसे जीतेंगे 24 का इलेक्शन। तो इन विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन देख लीजिए वार पलटवार। दलों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह स्थिति केवल आगरा की नहीं है, यह कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है और पूरे देश की। अखिलेश यादव जी के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आरएसएस और बीजेपी ने इम्प्लांट करा है, ऐसे फैसले कराते हैं जिससे पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट होता है। हम तो सीधी बात यही कहते हैं कि ऐसे आस्तीन के सांप को उन्हें पहचानना चाहिए। वाकई ने अखिलेश को जो रुचि वीरा को उतारने का काम करा है। यहाँ से पहले हमारे बड़े भाई एसटी हसन साहब को टिकट दिया गया, चूँकि एसटी हसन साहब को उन्होंने शर्मसार नहीं करा, उन्होंने उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि पूरी मुसलमान कौम की बेइज्जती करने का काम करा। बिल्कुल, उन्होंने अगर रुस्वा करा है तो हम मुसलमानों को करा। माननीय पार्टी ने कोई चीज़ रणनीति के तहत तय की है, जो पार्टी ने तय किया है वो स्वीकार करना चाहिए। तो मान लिया हम लड़ते तो हम जीतते, लेकिन पार्टी के पास कुछ फीडबैक रहा होगा। समाजवादी पार्टी ने अगर टिकट कर दिया तो हमारे समर्थन ना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। मैंने कहा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव से इस्तीफा देना चाहता हूँ, तो अच्छा खासा रिएक्शन वहाँ मुसलमानों में हुआ। पहले धर्मेंद्र यादव जी का टिकट हुआ था, उस बार शिवपाल जी का हुआ, वहाँ से एक ही आवाज़ उठी कि साहब सलीम शर्माई साहब को लेकर आओ, सलीम शर्माई साहब को लेकर आओ। यादव मुसलमान का जो एक मजबूती है वो इस वक्त ज़रा सी बिखर रही है। वार पलटवार के बाद शुरू करते हैं चर्चा परिचर्चा, और पहले जो अतिथि हैं, खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। ये लड़ाई सीधी जो दिख रही है समाजवादी पार्टी और भाजपा से है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस भी गायब है, बसपा भी गायब है। जो हमारे अतिथि हैं अभी तक नहीं पहुँचे हैं। आस्था अग्रवाल हैं, फायर ब्रांड लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी का, और ये हैं हमारे साथ संदीप सक्सेना समाजवादी पार्टी। सवाल संदीप आपसे होगा कि जिस तरीके से आपके अध्यक्ष जी में कन्फ्यूजन है, लगातार वो कैंडिडेट बदल रहे हैं, जब सिलेक्शन नहीं होगा ठीक से तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे भैया? देखिए, यूपी पे 80 हराओ का हमारा नारा है। अरे जियो। और जो प्रत्याशी जीतता हुआ होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको टिकट देंगे, चार चार बार बदलेंगे।
ये चार चार बदलने वाला भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कई प्रत्याशियों ने अपने टिकट वापस किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कि कांग्रेस के कि सपा के? उत्तर प्रदेश में कई ऐसे उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के टिकट के लिए तो मारामारी चल रही है साहब, वेटिंग चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक नाम बताइए आप भाजपा के किसी कैंडिडेट ने अपना टिकट भाजपा है धनंजय सिंह का टिकट उन्होंने वापस किया अपना उत्तर प्रदेश में। गुरु होमवर्क करके आइए, यही हाल रहेगा तो बहुत बुरा होगा। आस्था जी ये बताइए जब इलेक्शन ये कैसे जीतेंगे जब सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, इतना कंफ्यूजन है। तो वो तो सबको पहले से पता है कि ये कंफ्यूजन वाली सरकार है इसलिए, लेकिन जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता का माइंड मेकअप है कि उनका वोट सिर्फ और सिर्फ कमल को जाना है। जनता को कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन तो इन लोगों को है। अच्छा, और आपको भाई साहब? इनको ये मालूम होना चाहिए आपके पास के जनपद में सत्यपाल गंगवार जी ने 2 दिन पहले ये कहा है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ा रहा है। अपना परिचय दे दी कर दूंगा, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, हरप्रीत सिंह चब्बा नाम है। लेट कहां हो जाता है आप लोगों को, हर जगह गाड़ी छूट जाती है, आपके अध्यक्ष की भी छूट जाती है, राहुल गांधी की भी छूट जाती है, इसलिए इस प्रदेश से भी पीछे छूट जा रहे, जाम में फंस जाते हैं आप लोग। सुनिए, ये जाम की वजह भी तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से लड़ रहे, समय से न पहुंच पाए आप, समय से न पहुंच पाए और दोष भारतीय जनता पार्टी पे दे दें, आस्था अग्रवाल पे। देखिए साहब, देने दीजिए सवाल, आप क्या देंगे इतना लेट से? 1 घंटा हो गया मुझे माधव टांडा चले हुए, पीडब्ल्यूडी यहां मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं उस रोड पे, जाके देखिए कोई फाटक बंद नहीं था। और ये जब आपके सवाल ये हो रहा है, गंगवार जी पे बात होगी, आपके यहाँ जो टिकट लोग दे रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, ये आपस में टिकटों का कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे हो रहा है, तो आखिर क्या है? कौन कह रहा है, एक नाम बताइए। अकुल दुबे ने टिकट वापस कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अभी आपके रायबरेली अमेठी ने अमित तय नहीं हुआ। ये सवाल आपने सत्यपाल गंगवार की जब मैंने बात करी तो उस पे आप जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं, उस पे जवाब लीजिए। उन्होंने क्यों कहा आपके बगल की सीट का है, सीतापुर पे मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब लीजिए उनसे। किससे भी पूछ लेते हैं कि भाई जब ऐसे ही सिलेक्शन होगा और ऐसे ही कंफ्यूजन होगा तो फिर कैसे नैया पार होगी? खड़े हो जाइए जरा, बताइए साहब। देखिए बेसिकली हम लोग तो व्यापार मंडल से ताल्लुक़ रखते हैं और व्यापारियों का अगर बात होगी तो वो हम बात करेंगे, लेकिन हाँ ये हम देख रहे हैं जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं वो गलत है, वो चेंजेस नहीं होना चाहिए। साहब आप बताएं। मैं भी व्यापार मंडल से संबंधित हूँ। व्यापार मंडल से संबंधित हैं, लेकिन सभी कोई ना कोई मंडल से संबंधित है, वोट तो डालते होंगे ना? हाँ वोट तो डालते हैं, कोर कोई ऐसा नहीं है जो वोट नहीं डालता, हर आदमी वोट का अपना प्रयोग। आइए, सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ऐसे अपना टिकट इधर उधर कर रही है तो कैसे चुनाव जीत? चुनाव के में तो कोई सामने नजर ही नहीं आ रहा, विपक्ष का कोई आदमी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, विपक्षी कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इतने देर से मंच संभाल पाए आप? आप देखिए ना, सबसे पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ, कोई आपको नजर आया यहाँ पे? तो जब बाकी लोग यहाँ नजर ही नहीं आ रहे तो विपक्ष है कहाँ? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पीलीभीत के अंदर विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? मैम ये बताओ। हाँ जी सर। सवाल ये, जो यहाँ के हमारे अतिथि थे ये इतना लेट से आ रहे हैं, इनके टिकट बंटवारे में इतना घाउच पाउच है, आपस में टिकट इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जिन्होंने स्टेज इतनी देर में संभाला है वो जनता को क्या संभालेंगे? अरे भाई गजब कर दिया। बस इतना ही कहना है, आप पहले टाइम पे पहुंच जाइए, हम जनता आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पहले हमारा काम तो टाइम पे करना सीखिए। इसके लिए भी वो भाजपा को दोष दे रहे हैं कि बहुत जाम लगा दिया भाजपा ने, रेड़ी पटरी लगा दिया। मैं आपसे कहती हूँ मुझसे सवाल कर लीजिए, भाजपा का एक दोष बताइए, मैं 10 अच्छाइयां गिना दूंगी। आप मुझे एक दोस्त गिना दीजिए, मैं आपको 10 अच्छाइयां गिना दूंगी यहीं। आप मुझसे सवाल कर लीजिए, मैं किसी इलेक्शन में नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ, एक बच्ची हूँ अभी छोटी, लेकिन मैं फिर भी आपको 10 अच्छाइयां गिना दूंगी आपके एक सवाल पे। तो भाई बताइए, आप पूछ लीजिए इनसे, ये कह रहे हैं कि आप बता, अभी पेपर लीक पे इनका क्या कहना है पूछिए, और दूसरा जो बेरोजगारी है उस पर इनका क्या कहना है, महंगाई पे क्या कहना है इनका, और जो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पे क्या कहना है, अग्निवीर पे इनका क्या कहना है, क्या पूछ लेते हैं उनसे, बताइए महंगाई बेरोजगारी और अग्निवीर पे क्या कहना है सवाल। तो एक एक करके जवाब देती हूँ, महंगाई पे मेरा ये कहना है सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी सैलरी आपके किसी भी घर की क्या उस वक्त में जब 4,000 थी आज भी 4,000 रुपए है? आपको 4,000 रुपए आज भी दिया जाए तब आप मान लेंगे? अगर हमें सैलरी बढ़कर मिल रही है तो महंगाई कहाँ है मुझे ये बताइए। सैलरी हमें चाहिए 50,000 की और हम बात करें चीनी हमें मिले 10 रुपए किलो, ये तो नहीं हो सकता ना। रोजगारी पे
बेरोजगारी कहीं नहीं है, मेरे पास अगर जॉब नहीं है उसका रीजन है क्योंकि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। आज के टाइम में घूस देकर कोई भी काम नहीं हो रहा है। पहले मैं पैसा देती मेरी जॉब लग जाती, बट मैं उस लायक नहीं थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, मैं खुद कहती हूँ मैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए भी नहीं क्योंकि मैं उतनी लायक नहीं हूँ। नहीं हूँ। आस्था अग्रवाल से पूछ लेते हैं, सरकार इनकी है, ये बताइए ये जो युवती कह रही है, क्या इनका कह रही है, ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, पूरा राम राज? जी बिल्कुल, पूरा राम राज है, ना बेरोजगारी है ना महंगाई है। आप मुझे बताइए, जितनी भी योजनाएं 2024 से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई, क्या आज तक 70 सालों में किसी सरकार में आई? युवाओं को बढ़ाने का काम, नारी को बढ़ाने का काम, रोजगार देने का काम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना से लेकर हर तरह की योजना या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और नॉर्मल नागरिक के लिए पार्टी ने इसीलिए दी कि पार्टी खड़ा हो। अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम मौका भी देते हैं यहाँ के लोगों को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। अच्छा भाई बताइए, तीन योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इन पर आरोप लगाता है तो ये ईडी, सीबीआई और आरटी के माध्यम से उसको दबाने का काम करते हैं। पवन सिंह यादव ने आसनसोल से टिकट वापस की, उपेंद्र रावत ने भी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने टिकट वापस किया। तो ऐसा नहीं है, वॉशिंग मशीन वाला आप लोगों का ना पीछा छोड़ेगा नहीं 24 के चुनाव। मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं, 2014 से पहले 2G स्कैम किसका था, CWG स्कैम किसका था, कोल स्कैम्स किसका था, हराल स्कैम किसका था, और 2014 के बाद, दो सुन लीजिए पहले, 2014 के बाद चंद्रयान किसका था, मंगलयान किसका था, सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी स्टैचू किसकी थी। हमने हर फील्ड में काम किया है, सिर्फ बेरोजगारी, शिक्षा से लेकर, नारी उत्थान से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, मेट्रो रेलवे से लेकर, सड़क से लेकर, हर चीज पे मोदी सरकार ने काम किया। आप बताइए ये किसका था, कोल घोटाला और तमाम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला? मैडम को ये पता होना चाहिए, 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पैसे का घोटाला नहीं हुआ, वो भाजपा की एक टूल किट थी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो कितने लोग उसमें सजा पाए, आपकी सरकार है 10 साल से, आपने कितने लोगों को सजा कराई। दूसरी बात, आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अजीत पवार पे बहुत भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपकी पार्टी में आते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। अशोक चौहान पे आदर्श हाउस सोसाइटी घोटाले का आरोप लगा, आपकी पार्टी में आए, साफ हो गए। तो आपके पास जो वॉशिंग मशीन है और जो मोदी धुलवा लीजिए, आप बहुत सफेद सफेद चचक चकाचक पहने, मोदी वॉशिंग पाउडर जो आपके पास है, आप उसके बारे में बोलिए कि आपके यहाँ भ्रष्टाचारी आके साफ कैसे हो जाता है। बताइए इतना चकाचक, आप भी तो कौन से वॉशिंग मशीन में धुले, ये तो गांधी जी का कुर्ता है, गांधी जी का कुर्ता है। साहब आप भी बहुत विलंब से आए हैं, कौन सी ट्रेन छूट गई थी आपकी, किस पार्टी से बताइए, अब तो परिचय देना भी मुनासिब लग रहा है कि कैसे, कौन से? बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी, किसको लंगड़ी लगाएगी आप जी, जीतने के लिए लड़ रही है कि लंगड़ी लड़ाने के लिए खड़ी है? हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। जीत गए? हाँ जीत रहे हैं। देखिए ओ कर रहे हैं लोग। अरे ओ कर से काम नहीं चलता, हम समीकरण पे बात करते हैं, स्थानीय मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे की बात आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व हुआ है, जब से तमाम लोगों के को शेर खा गया है भारतीय जनता पार्टी। बताइए मंच पे जब आने में इतना विलंब कर रहे हैं तो यहाँ की जनता इतना विश्वास क्यों करे आप पे, आपको मतदान क्यों करे, वोट क्यों दे हाथी पे? हम डिबेट में जाना पसंद ज्यादा हमारी पार्टी करना नहीं चाहती है, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं, हमें इतना टाइम नहीं है, हम चुनाव में व्यस्त हैं। और आपको बता दें, हमारा समीकरण पे हम चुनाव लड़ते हैं, समीकरण हमारा सबसे ऊपर है, समीकरण हमारा सबसे ऊपर है। और आपको बता दूं, मैंने आपके यहाँ से फोन गया था तो मैं कह रहा है कि समीकरण मेरा बहुत टाइट है और जीत हमारी ही होगी। तो जनाब आप बताइए समीकरण इनका कितना टाइट है, दूसरे को क्या इशारा कर रहे थे, बहुत आप उड़ रहे थे, आइए भाई साहब बताइए। मैं तो ये पता है, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ते जानते यही तीन चार है खड़े हो खा के आइए खड़े हो तो मैं गुटका नहीं खाया हूँ, खाली खा रहा हूँ। मैं तो भाजपा के नेतृत्व को इस बात की बधाई दे रहा हूँ कि हमारा 35 साल जो कलंक चल रहा था मेनका गांधी और बड़ू गांधी का, उससे निजात मिल गया, पीलीभीत की जनता उनका धन्यवाद देती है। अरे मेनका गांधी वरुण गांधी के बगैर ये चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं। जब फर्क नहीं पड़ेगा, ये कलंक हट गया पीलीभीत से, इन मावेटों ने
इस जिले में कोई काम नहीं करा, शोषण करा। अच्छा। पिकनिक बनाने आते थे पीलीभीत में। अच्छा। कोई काम नहीं किया। क्या भाई आपने कहा, एक सच्चे सांसद को जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में एक ईमानदार सांसद था, वरुण गांधी जिसने देश के लिए और युवाओं के लिए किसानों की आवाज उठाने, आज उससे महंगा पड़ा। क्योंकि जो लोग आज मौजूदा सरकार में भाजपा में बैठे हुए हैं, भ्रष्ट की पूरी नींव अगर आज है भारतीय जनता पार्टी में। मैं पूछना चाहता हूं, किस बेस पे वरुण गांधी का टिकट काटा था? आज वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद स्वयं मोदी जी को रैली करनी पड़ रही है, योगी जी की रैली। इतना खौफ हो गया विपक्ष का, इतना खौफ है। देखिए, कार्यक्रम आपका आज पीलीभीत में हो रहा है, अगर बात की जाए पीलीभीत के स्थानीय मुद्दों की, जैसे कि आपने कह दिया कि वरुण गांधी का टिकट, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अब प्रदेश में देश में डबल इंजन की सरकार हो गई है। मेरा तो ये कहना है कि डबल इंजन तो छोड़िए, इन लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष तक भाजपा के हैं। अगर देखा जाए तो चार इंजन की सरकार हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पीलीभीत जिले में, यहाँ से पीलीभीत से लखनऊ जाने के लिए आज पिछले 6 सालों से रेल लाइन बंद पड़ी है। चार चार छह छह इंजन मिलकर एक इंजन को नहीं चला पा रहे हैं। ये कैसी बढ़ती है भारतीय और भी इंजन लगा। मेरा सवाल है, डेमोक्रेसी में चुनाव का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का होता है। चुनाव से पहले पुराने इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 5 ही दिन बाद नए चुनाव कमिश्नर बन जाते हैं, और इसके बाद चुनाव में जो घपला होगा इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जवाब कौन देगा? देंगे, ये देंगे। देखिए, मैं भाई साहब के वरुण गांधी वाली बात पे जवाब देता हूँ। बदलाव हो रहा है, बदलाव सबको चाहिए। भाजपा में वरुण गांधी सबके नेता हैं, अच्छा काम करा है, बदलाव की राजनीति चल रही है, कुछ बदलाव होना जरूरी भी। कह रहे 30 साल से कोई काम ही नहीं। और भाई साहब, मैं भाई साहब की बात की जवाब दे रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी वाशिंग मशीन वाली बात कर रहे हैं, ना तनखाली ना सैलरी ली, लूट घसोट नहीं करी थी, उसका खमियाजा भुगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गुलाम बन के रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा में नेता है वरुण गांधी जी। मैं भाई साहब की बात का जवाब, भाई साहब इसका जवाब तो आपके पास है नहीं, तो आप भाई साहब की बात दे रहे हैं। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इन्हें जब निमंत्रण दिया गया, ये लोग क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? पूछेंगे भैया, आप खड़े हो जाइए, नौजवान है ना। बिल्कुल, आपने विपक्ष को जो है टिकट बदलने का अधिकार देने से आपत्ति जताई है। सिटिंग जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनको भाजपा बदल सकती है, शिवराज सिंह को बदल सकती है, तो लोग कैंडिडेट नहीं बदल सकते। हाँ, ये बात सही कहा हुआ कि उन्होंने 15 चार चार बार पांच पांच बार बदले, जब वोटिंग हो तब तक। या तो उन्होंने सत्ता गलत चलाई है, या फिर उसका लगता है कि भाजपा वहां जीत नहीं सकती है, इसलिए अब दूसरा चेहरा लाके। और चलिए भाई बताइए, मैम आप कि मेनका गांधी, वरुण गांधी ने 35 साल से कोई काम ही नहीं किया, बदल के बहुत अच्छा काम किया। देखिए, अभी तो मेरी भी शादी को 10 साल हो चुके हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जो जनता, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम कर चुकी है, और इससे ज्यादा क्या करेगी? हम लोगों के लिए बेरोजगारी खत्म हो गई है, हम लोगों के लिए जो हम महिलाएं सुरक्षित नहीं थी रात के समय, हम किसी भी तरह हम अपनी महिला होके महिलाओं के लिए कहेंगे कि हमारी महिला आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बहुत सुरक्षित है, बहुत ज्यादा। कानून व्यवस्था चकाचक जी, कानून व्यवस्था बहुत चकाचक है हमारे समाज में। कितनी बेरोजगारों के लिए कितनी फैक्ट्री खुल गई है और कितने रोजगार हो गए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वहाँ पर कितने हो गए। अभी अभी हमारी बहन जी ने क्या कहा, ये कहा कि जो जिस लायक होगा उसको उसी अकॉर्डिंग के अनुसार जो है सर्विस दी जाएगी। बात है, खड़े हो भाई। जैसे हमारे बड़े भैया ने बोला कि लखनऊ की रेल लाइन बंद है, इनको ये नहीं पता कि इनकी सरकार ने पीलीभीत को बड़ी लाइन मिली ही नहीं। अब जो सरकार बड़ी लाइन दी है वो उनको याद है नहीं कि पीलीभीत में बड़ी लाइन भूल गए, लग भूल गए, अब याद ही नहीं है ना, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पाई। हमारी सरकार ने बहुत बहुत कुछ करा, लोगों ने आज गरीबों को लिए आयुष्मान योजना मिल रही है, 5 लाख रुपए हर गरीब को योजना मिल रही है। छोटा गरीब जो नहीं इलाज करवा था, सारा हर इलाज करा रहे हैं, हर तरीके का इलाज हो रहा है। चकाचक ये पीली वाली भैया है, चाचा वाले पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर वाले, खड़े हो जाए भाई साहब, बताइए आप भी खुश है ना, अब तो आ गए इधर से, पहले पिछले विधानसभा में लाल टोपी लगा घूम रहे थे, अब भगवा लगा घूम रहे हैं, गदगद है ना, हम बताएं, आप ही बताइए, आप तो पूछ रहे हैं। क्या बताऊं? अरे यहाँ आए हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कोई सको सुबह? मोदी जी बनेंगे। नहीं ना, कोई नहीं, राहुल गांधी 400 से पार अबकी। अरे राम राम, आपके चचा तो इतना ललकार के बोलते हैं, आप क्या हैं यहाँ पार्टी में? मैं नगर अध्यक्ष। अरे नगर अध्यक्ष हैं भाई साहब, आप भी आइए, आप भी कुछ लगाए हुए हैं, आइए बताइए बताइए, इतना थोड़ी डरते हैं ओम प्रकाश राजभर, बताइए ओम प्रकाश राजभर के लोग इतना दब के बात करेंगे, बताइए जी क्या रहेगा माहौल यहाँ पे, किसकी लहर है?
यहाँ पर जो है हमारे जितेंद्र प्रसाद जी जीतेंगे लगभग 5 लाख से पार वोटों से। अच्छा, बाहरी हैं और कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई बाहरी नहीं है, हमारे पड़ोस के जिले के हैं। अच्छा, यहाँ बाहरी और भीतरी का कोई सवाल नहीं है? कोई बाहरी नहीं है यहाँ पर, इन्होंने जबकि वो पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पुल दिए हैं, रोड दिए हैं और बहुत विकास करा है। मुझे लगता है, बताइए आप भी। आपका सब्जेक्ट है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। ओहो। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी एक सभासद हूँ, महिला सभासद हूँ, बीजेपी की सभासद हूँ और मैं महिला सुरक्षा समिति की सदस्य भी हूँ। और पिछली जो सरकारें थी उनमें महिला डेस्क नहीं हुआ करती थी। अरे बहुत कुछ दे दिया है, तभी तो कह रही है। मैं भी कहती हूँ मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 500 सालों से जो राम मंदिर पेंडिंग पड़ा था, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई और महिलाओं के लिए जो सुरक्षा सम्मान मिला है, मैं कहती हूँ कुछ भी महंगाई नहीं है, हमारी बहु बेटियों की इज्जत से महंगा कुछ भी नहीं है। सारे गुंडागिर्दी खत्म हो गई, पहले विद्या गिरोह, कल्लू गिरोह, कच्छा गिरोह, सारे गिरोह खत्म, अब कोई गिरोह नहीं है, राम राज्य स्थापित हो गया। लड़कियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी आपने एक सवाल किया था कि जितिन जी बाहर के हैं और उन्हें हम अपना लेंगे, जिसने कमल अपना लिया वो हमारा परिवार है। हम बस इतना कहना चाहते हैं और वही जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी को हराने वाला अब तक तो मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधी हूँ, मुझे दिखता ही नहीं है। यहाँ कितने हैं मुझे नहीं दिख रहा, मुझे कमल दिख रहा है सामने खड़ा हुआ। दिख रहा है आपकी आँख बड़ी साफ है, चश्मा तक नहीं लगाई। बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट। लेकिन मुझे जो दिखता है ना वो सही चीज दिखती है, कमल। घर घर भगवा छाएगा बस। घर भगवा ये है अग्रवाल साहिबा, इनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए जो जनता बोल रही है कितना इत्तेफाक रखती है, वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार गांधी परिवार से नहीं कोई लड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट कितना होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी वैसे भी परिवारवाद की और जातिवाद की पार्टी है ही नहीं ना, वो ऐसी राजनीति करती है। ये एक्स पर लिखी है कि नहीं मोदी का परिवार? एक मिनट, बिल्कुल लिखी हूँ, बिल्कुल लिखी हूँ, पहले दिन ही लिखी थी। अब सुनिए, जब वरुण गांधी जी को अगर टिकट नहीं दिया जाए, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि उनका टिकट काटा नहीं गया, उनकी जगह जतिन प्रसाद जी को पीलीभीत का प्रत्याशी घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार की पार्टी तो है नहीं कि हमारे ही परिवार का बेटा, हमारे ही परिवार का राजकुमार अध्यक्ष बनेगा या यहाँ से लड़ेगा। इसीलिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए जतिन प्रसाद जी को पीलीभीत लोकसभा का प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया। कुछ पूछ रहे हैं कि वरुण जी की नाराजगी आप लोगों पे भारी पड़ेगी। जरूरी नहीं है, इस समय पार्टी चुनाव में है, सब व्यस्त रहते हैं। योगी जी के जो अभी सम्मेलन हुआ था, अगर उसमें वरुण गांधी जी के, आपने क्या कहा? वरुण गांधी जी, योगी जी का प्रोग्राम था तो वो मंच में नहीं आए, नाराज है, वहाँ मोदी जी का परिवार टूट जाता है। नाराज है ना? बिल्कुल नाराज है, और जी भी नाराज है, चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं और वहाँ भी लड़ाने नहीं जा रहे हैं। इस बात को खुल के आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई नाराज हैं तो नाराज है, हमने टिकट नहीं दिया। वरुण गांधी की नाराजगी पीलीभीत में कितना भारी पड़ेगी जितिन प्रसाद के लिए? वरुण गांधी जी की कोई नाराजगी नहीं है, यहाँ पे जितने जनता यहाँ पे है इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वरुण गांधी जी के सपोर्टर्स हैं, और वरुण गांधी जी ने उनको स्पेशली कहा कि जाइए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसको जाके लड़ाइए। वरुण जी के नाम पे ताली तो कोई बजा नहीं रहा? देखिए अब सब तालियां बजा रहे हैं, वरुण गांधी जी के नाम पे बजा रहे हैं, वरुण गांधी के नाम पे। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी को वोट की अपील करते हुए उनका नहीं आया। उन्होंने जो वरुण गांधी ने साफ साफ चिट्ठी में लिखा है कि पीलीभीत की आम जनता के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब साफ है कि वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। सवाल सर आप भी पूछ लीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे पीलीभीत जिले के जो सांसद ईमानदार सांसद था, जो अपने कदम इतना ईमानदार था, जो अपनी सैलरी तक नहीं लेता था समझे, और इतने कोविड काल में इतना काम करा, उसका आपने टिकट किस बेस पे काटा है? ईमानदार लोगों की क्या इस जगह नहीं है यहाँ पर? पूछो भाई तुम भी सवाल। पीलीभीत की जनता जब दिल्ली जाती तो ऑल इंडिया के नाम से घबरा जाती, यहाँ गांव के गरीब दबके के लोग हैं जो, वो ऑल इंडिया का जब हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, किडनी ब्लास्ट हो जाए तो वरुण गांधी जी के लेटर पैड पे आपका आधा घंटे में एडमिट हो जाते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ना सम्मान था, बिल्कुल सही बात। आप पूछ लीजिए, आप भी पूछ लो यार, सब ठीक है। तो क्या ठीक है? 400 पार जा रही है। हाँ बस, बहुत गंभीर मुद्रा में बता रहे 400 पार। अरे क्यों भाई साहब? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ईमानदार है तो जरूरी नहीं कि वो सालों साल वही इलेक्शन लड़ता रहेगा। परिवर्तन सब चीज़ चाहता है, हर जना परिवर्तन चाहता है।
तो परिवर्तन होना चाहिए। अगर जतिन जी को टिकट मिला है तो बिल्कुल ठीक मिला है, वरुण जी का टिकट काटा नहीं गया है, ये परिवर्तन करा गया पीलीभीत के लिए। परिवर्तन है, बताना चाहिए था उन्हें अपने जनपद से लेना चाहिए था या कहीं और से लेना चाहिए या पीलीभीत में कोई है ही नहीं क्या इस लायक? तो आहरी बाहरी का कोई कह रहे हैं सवाल ही नहीं, क्यों क्यों नहीं है? क्या पीलीभीत के अंदर कोई इस लायक नहीं है जिसको एमपी का इलेक्शन लड़ सकते? और मेरा कहना एक सवाल, मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से था, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, इनके पूर्व के स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का ये बयान आया था कि हम अगर 100 रुपये जनता को देते हैं तो 150 रुपये पहुँचते हैं, ये जवाब इनने अपनी सरकार में किया था वर्तमान में प्रधानमंत्री रहते हुए, तो इनकी सरकार चोर थी या बीजेपी चोर है? दूसरा सवाल मेरा कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी से, ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी को टिकट काट दिया, भाजपा से भी कुछ पूछ लो, भाजपा से क्या पूछेंगे हम लोग, चकाचक सब चकाचक ये चाचा पूछेंगे। मैं सबसे पहले माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं अपनी मन की बात करते रहते हैं, अब मौका है जनता अपनी मन की बात उन्हें बताएगी और उनको सुनना पड़ेगा। मन की बात बताओ ना, मन की बात जनता बटन साइकिल का बटन दबा के पीलीभीत में बताएगी। साइकिल का? हाँ अच्छा। जी जी साइकिल का बटन दबा के, और यहाँ भगवत शरण गंगवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाने का काम करेंगे। स्थानीय कैंडिडेट नहीं मिल पाया, बरेली से इम्पोर्ट करके लेके आए हैं, बरेली से इम्पोर्ट करके लेके आए हैं, इन्हें भी स्थानीय कैंडिडेट नहीं मिला। शाहजहापुर से इम्पोर्ट करके लाए, हमारा प्रत्याशी लोकल का प्रत्याशी है, बीसलपुर विधानसभा उसके यहाँ से लगती है, पीलीभीत विधानसभा उसके क्षेत्र से लगती है, बरखेड़ा विधानसभा उसके क्षेत्र से लगती है। बरेली में, बरेली की तहसील लगती है नवाबगंज, वहाँ से विधायक रह चुके होंगे, वही उनका निवास है, बरेली में धर्मकांटे के पास उनका आवास है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये इम्पोर्ट के लिए प्राजी से भी पूछ लेता हूँ, उनके पास भी तो सवाल होंगे। बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट काट के परिवर्तन किया, अजय मिश्रा टैनी का टिकट काट के परिवर्तन करती जिन्होंने किसानों का कुचल के मारा, हम भी परिवर्तन समझते, लेकिन वहां पे उसको सबसे पहले टिकट दिया। अगर वरुण गांधी ने एक बार किसानों के हक में बोल दिया उसका टिकट कट गया, जिसने किसानों को रौंद दिया उसको टिकट सबसे पहले दिया गया, ये परिवर्तन। आओ भैया खड़े होकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से सबको जवाब मिल रहा है, बीजेपी स्टेट में भी आ रही है, सेंट्रल में भी आ रही है, ठीक, ये लोग जो मुद्दे भी उठा रहे हैं चुनाव से पहले हर बार उठते हैं, लेकिन जनता चुनाव में अपना जवाब हर बार देती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं 24 में क्या होगा? यही होना है, बीजेपी ही आनी है, मोदी साहब ही बनने हैं और कमल ही आना है, सबको पता है, यही होना है, कंफ्यूजन नहीं है। हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कह दी है, ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। दूसरी बात पचाई नहीं, खा तो ऐसे रहे जिसका 8,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, गया तो उनके खाते में आ गया भाई। दूसरी बात नहीं पूछ रहे कहाँ गया, नहीं नहीं पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, इतना लंबा कहाँ माननी कर रहे हैं 8,000 करोड़ रुपया ईडी का प्रयोग करके, बॉन्ड का प्रयोग करके जो भारतीय जनता पार्टी ने एक्सटॉर्शन किया है वो कहां गया? देखिए देश की वित्त मंत्री, एक मिनट, देश की वित्त मंत्री जो होती है वो पूरे देश का वित्त को अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, और पत्नी अपने पति के प्रति सदैव समर्पित रहती है और विश्वास में रखती है। ऐसी कौन सी बात उन्होंने अपने पति को बता दी है निर्मला सीतारमण रमण जी ने, जो उन्होंने कहा कि भाजपा ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके पूछ लेते हैं अग्रवाल साहब से, बताइए इतना बड़ा बड़ा आरोप है कैसे जवाब देंगी आप? देखिए मैं एक प्रश्न का जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो ये लोग इतने कंफ्यूज हैं पार्टी में, तो अपने कंफ्यूज हैं कि किसको टिकट देंगे। ये इनसे ये पूछिए कि कंफ्यूजन क्या है कि जतिन प्रसाद को क्यों टिकट दिया गया, या कंफ्यूजन ये है कि वरुण गांधी जी इतने समय तक रहे तो विकास कार्य नहीं हुआ, या कंफ्यूजन ये है कि क्षेत्र के व्यक्ति को देते बाहर के व्यक्ति को दिया। तो पहले तो ये अपना ये कंफ्यूजन दूर करें, ठीक है। पार्टी नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किसको टिकट देना है। अब इन्होंने जैसे ये प्रश्न किया कि इतने घोटाले होते हैं, सीतारमन जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा, पहली बात तो देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी कहती है ना
कि हम एक विश्वास पैदा करते हैं लोगों में। उन्होंने हर एक महिला में इतना विश्वास पैदा किया है कि अगर उसका पति भी कोई गलत काम कहता है तो वो खुले मंच में ये कह देती है। ये सोच अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, मेरी और बात सुन लीजिए, मेरे इतने सारे लोग मौजूद हैं, इन्हें मेरी बात सुन लीजिए। बात यह है कि ये अपने आप को प्रिपेयर करने ये कहने के लिए कि 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो विपक्ष को कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। किसान आंदोलन के वक्त पीलीभीत में भी आंदोलन खड़ा हुआ और एक बड़ा मुद्दा रहा, जैसा कि अभी सरदार जी कह रहे थे कि तमाम अजय मिश्रा टेनी और किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस बार जो 24 का चुनाव हो रहा है तो जो किसान आंदोलन हुआ, पीलीभीत में आंदोलन हुआ, यहाँ के जो किसान गए बॉर्डर पर, तो ये सारे मुद्दे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना? पहले मैडम के सवाल का जवाब दूंगा फिर आपके सवाल का। मैडम ने अभी परिवारवाद का आरोप लगाया था, तो मैडम को यह पता होना चाहिए जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी शहीद हुए उनके बेटे आज पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, और आपके यहां राजनाथ सिंह से लेके वसुंधरा राजे से लेके सबको पता है, सबको मालूम है ना, और अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष है। परिवारवाद पे, तो परिवारवाद पे आप हमसे ज्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपने 8,000 करोड़ के चंदे भी तो मोदी जी के परिवार में है, पूरे देश की जनता जब उनका परिवार है तो आप भी उनके परिवार। मोदी तो अपना परिवार छोड़ दिए, हमें कैसे परिवार? ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, राजनीतिक टिप्पणी होनी चाहिए। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मेरा परिवार तो अपना है, लेकिन हमारा देश के लिए हम हमेशा समर्पित है, लेकिन उसने अपनी पत्नी छोड़ दी। आप दूसरी बात पे आ जाइए, अब इस बात पे आ जाइए किसानों की बात पे। तो किसानों पे जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो कहते थे, चिट्ठी लिखते थे कि MSP देनी चाहिए, GST जो है नहीं लागू होनी चाहिए, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो MSP नहीं दे सकते, GST मतलब मुद्दा है, किसानों का मुद्दा यहाँ इस बार 24 में है। अभी शुभकिरण सिंह को गोली मार के मार दिया गया बॉर्डर पे, नवरीश सिंह को मार दिया गया, आपने एक बार ये नहीं कहा कि हमारे देश का किसान शहीद हुआ, मुझे इसका दुख है। 700 किसान शहीद हो गए, उसके लिए दुख प्रकट नहीं किया आपने, और जिसने किसानों को कुचला उसको आप टिकट देने जा रहे हैं। ये मुद्दा है जैसा कि कह रहे हैं, आप बताइए समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे। देखिए, पीलीभीत में जितिन प्रसाद जी PWD के मंत्री हैं, लेकिन पीलीभीत की सड़कें देख लीजिए, पापड़ जैसी हैं। पापड़ जैसे? बिल्कुल, सब जहां जहां सड़कें बन रही हैं, वो सड़कें एक जगह बन रही हैं, दूसरी तरफ उखड़ रही हैं, कई सारे वीडियो हम लोगों ने देखे हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर ये लोग नहीं बोलेंगे, शराब घोटाले पर ये लोग नहीं बोलेंगे, शराब घोटाला सीधे सीधे इनके खाते में पैसा गया, शरद चंद्र रेड्डी इनके का पैसा सीधे सीधे अरविंदो फार्मा का पैसा इनके इनके खातों में गया, ये लोग घोटालेबाज शराब वाले हैं, वो तो जेल चले गए, क्यों भाई साहब? बसपा वाले बताइए जी, आपका तो इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है ना, शराब से, शराबबंदी से। हम ये कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, इसने सबसे पहले आरक्षण को खत्म करने का काम किया, इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया, रेल भेज दी, बिजली भेज दी, सारी कंपनियों को भेज, कंपनियों के हाथ। क्यों आरोप लगाते हैं कि आप बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, मैडम के बी टीम? सुनिए, अडानी अंबानी बी टीम की बात नहीं करते, बी टीम वाले खुद ही कहने लगते हैं हम बी टीम के, फोटो देख लीजिए किसके बारे में हो रहा है वाले कहते हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। वाले कहते हैं बसपा जो है बहन जी है बी टीम है भाजपा। जहाँ बोलना चाह रहा हूँ, क्यों ध्यान भटका रहे हो, इन्होंने सारी चीजें बेच दी, बेरोजगारों को रोड पे ला दिया, 14 पेपर आउट हो चुके, रोजगार देना नहीं चाहते, तमाम करोड़ों की संख्या में बेरोजगारों की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं और बेरोजगार रोडों पे लट खा रहा है। जो लट खा रहे हैं वो सब आपको वोट करेंगे, और आपको हमें वोट करेंगे जीतेगी। और आपको बता दूं, जनपद पीलीभीत का विशेष मुद्दा जानवरों का, जो जानवर रोड पे जा रहे हैं, लोग टकरा जा रहे हैं, किसानों के खेतों को खाया जा रहा है, उस पर कोई करो। तो मैं जनता से एक बार देख के पूछना चाहता हूँ, ये बताइए जो नेताजी लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग सहमत हैं इन लोगों से? भाजपा वाले से सहमत हैं? कांग्रेस वाले से सहमत हैं? और समाजवादी से और बसपा से हैं? ज्यादा फर्जी मुकदमे बसपा सरकार में लिखे जाते थे लोगों के ऊपर, लोगों को कुचला जाता। ये जनता न भाजपा से प्रसन्न है, न सपा से प्रसन्न है, न बसपा से प्रसन्न है, तो केवल नोटा लगाएंगे क्या आप लोग हैं, बताइए। देखिए, आज आप 2014 के बाद से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने, तो एक पब्लिक का वोट भ्रष्टाचारियों को। मैं पूछ लेता हूं इन्हीं लोगों से, वक्त कम है, ये बताइए, जनता तो कह रही है कि हम कांग्रेस से प्रसन्न नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं हूं
आपने उनकी आवाज नहीं सुनी। इस समय लोग चाह रहे हैं कि रिजल्ट आना था ना 4 को, वो आज आ जाए, कांग्रेस सरकार द्वारा बन जाए, बेरोजगार चाहता है मुझे नौकरी मिल जाए। सवाल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, बता दीजिए जल्दी। हमारा इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे हमारे जो संसद चुन के आएंगे लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, पर्ची से नहीं चुना जाए। मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, कौन बनेगा भाई? ये लोग 400 पार कह रहे हैं, इनके 200 नहीं आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनने वाला कौन बनेगा? मोदी जी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, डाउट नहीं है आपको तो एकदम सत प्रसत। और आपको साहब, ऑल इंडिया से बहुत बहुत बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन मिल रहा है जनता का, और आने वाले इस चुनाव में 2024 में बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, पीलीभीत के ये बसपा के नेता हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी। इन्होंने कहा कि इंडिया वाले बनेंगे, इन्होंने कहा कि मोदी जी बनेंगे, कोई सको सुबह नहीं है साहब। ये कौन सा सवाल आप पूछ रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री पीलीभीत से? बस इतना ही, कल जरूर देखिए रामपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री, शाम 5 बजे ABP News पर, आपके अपने पसंदीदा चैनल पर।